नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज का टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है, कोडिफिकेशन एंड शेड्यूलिंग ऑफ ओवरहेड। ऊपरी व्यय का संख्यांकन और सूचीकरण या सूचियन। अभी तक हमारा मटेरियल और लेबर से संबंधित चैप्टर चल रहे थे और अभी नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा हुआ है ओवरहेड का, और ओवरहेड में आज हम ओवरहेड का संख्यांकन और सूची उनकी किस प्रकार से हम तैयार करते हैं इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी के लिए, तो सभी पूरा ध्यान से सुनेंगे समझेंगे ताकि आपको ओवरहेड की जानकारी प्राप्त हो सके। ओवरहेड की बात करें तो ओवरहेड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का थर्ड पार्ट होता है। किसी भी वस्तु का जब हम निर्माण करते हैं तो उसमें तीन एलिमेंट्स का यूज किया जाता है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। और हम आज जो थर्ड पार्ट है ओवरहेड उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखिए, ऊपरी व्ययों का संख्यांकन व सूचियन। ऊपरी व्यय को हमें नियंत्रित करना है, उन पर कंट्रोल रखना है ताकि वस्तु की जो लागत है वो बढ़े नहीं। वर्तमान का जो युग है वो बहुत ही प्रतिस्पर्धा का युग है और हमारे प्रतिस्पर्धी हैं वो हमारे साथ प्रतिस्पर्धा में रहते हैं। तो हमें ऐसा हमारा प्रोडक्शन की जो स्ट्रेटजी है वो बनानी है ताकि हम हमारी जो आइटम्स की कॉस्ट है वो न्यूनतम रखें ताकि हम प्रतिस्पर्धा में टिक सकें और अधिकतम लाभ अर्जित कर सकें। अगर हमारी लागत बढ़ गई प्रोडक्शन की तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा और जो प्रतिस्पर्धा है उसमें हम पिछड़ जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, ऊपरी व्ययों के संग्रहण में सरलता रहे तथा वर्गीकरण में समानता व शुद्धता लाने के लिए इस रीति का प्रयोग किया जाता है। हम चाहते हैं कि ऊपरी व्ययों का संग्रहण जब हमें करना हो तो उसमें सरलता रहे और वर्गीकरण में शुद्धता व समानता लाए ताकि ऊपरी व्ययों का वर्गीकरण है वो आसानी से हो सके। तो इसलिए इस रीति का प्रयोग हम यहाँ करते हैं। प्रत्येक ऊपरी व्यय की मद का उचित रूप से विश्लेषण करके उसको अपने शीर्षक में लिख दिया जाता है। प्रत्येक जो ऊपरी व्यय की मद है, जो खर्चा है, उसका हम उचित रूप से विश्लेषण करते हैं। वो विश्लेषण करने के बाद जिस शीर्षक में से संबंधित वो एक्सपेंसेज है उसमें उसको लिख दिया जाता है और उनको एक संख्या प्रदान कर दी जाती है। संख्या प्रदान की जाती है तो उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, स्थाई आदेश संख्या, स्टैंडिंग नंबर कहते हैं। इस संख्या द्वारा उस ऊपरी व्यय को पहचाना जा सकता है। उस संख्या को क्या करते हैं, उस संख्या के द्वारा हम उस ऊपरी व्यय को पहचान सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नंबर 1 और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर अगर शीर्षक देना है तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 इस प्रकार देंगे
तो पता चल जाएगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नंबर कितना, एक, और उसके सब डिपार्टमेंट कितने हो गए, नंबर वन 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। इस प्रकार हम क्या कर देंगे, पहचान हो जाएगी संख्या के द्वारा। स्थायी आदेश एक लिखित आदेश होता है, जो आदेश होता है वो लिखित आदेश होता है, जो कि प्रत्येक सेवा केंद्र अथवा सेवा कार्य पूर्ण करने के लिए होता है। प्रत्येक लागत केंद्र या विभाग की एक संकेत संख्या निश्चित कर दी जाती है। जब से अभी मैंने बताया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हमने संख्या फिक्स कर दी कि एक है, तो अब ये पता चल जाएगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कोई संबंधित खर्चा है तो उसको एक नंबर में लिखना है। और ये विभागीय संकेत संख्या प्रत्येक सामग्री मांग पत्र तथा उप कार्य पत्र पर अंकित की जाती है। अब देखिए, ये जिसे प्रत्येक विभाग की प्रत्येक सामग्री अप्रत्यक्ष श्रम की लागत सरलता से हमें ज्ञात हो सके। प्रत्यक्ष सामग्री की जो अप्रत्यक्ष लागत श्रम की लागत, उसको हम आसानी से इसके माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट का तो हमें पता रहता है, क्योंकि उसको तो उस लागत केंद्र से संबंध होता है, लेकिन इनका है लागत केंद्र से संबंधता नहीं होती है, इसलिए हमें इसको ज्ञात करना होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, उनका संख्याकन करेंगे। जैसे ये उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया, देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिया हुआ है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 चार डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट इसमें हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम जैसे ही 1.1 जिसमें बैचिंग, प्रिपेयरिंग, स्पिनिंग और वाइंडिंग, ये जो चार डिपार्टमेंट है इनसे संबंधित जो भी खर्चा आएगा वो खर्चा यहाँ पर हम उनके एक्सपेंसेस यहाँ लिख देंगे, तो हमें उसका वर्गीकरण करने में आसानी रहेगी। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट देखिए, जैसे मशीन का मेंटेनेंस है तो 2.1, फैक्ट्री का है तो 2.2 और बिल्डिंग का है तो 2.3, मिस्कलेंस है तो 2.4। ये सब हेड के माध्यम से हम इसको आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट में देखिए 3.1, 3.2, 3.3। सर्विस डिपार्टमेंट में वर्कशॉप है, पावर हाउस है, वॉयलियर हाउस है। प्रत्येक उपरिव्यय के प्रमाणक पर भी स्थायी आदेश संख्या अंकित कर दी जाती है। इन संख्या का विश्लेषण करने से अप्रत्यक्ष व्यय कभी का भी वर्गीकरण किया जा सकता है। जो प्रमाणक होता है उन पर हम भी स्थायी संख्या लिख देते हैं, ताकि हमें पता रहता है कि ये जो प्रमाणक है इसकी जो आय है या उनका जो एक्सपेंसेज है उसको हम किस स्टैंडिंग नंबर पर ऐड करना है, तो उनका वर्गीकरण आसानी से किया जा सकता है। और विभागीय संकेत संख्या की सूची हम तैयार करके रखते हैं, जिसका नमूना आपको मैं नीचे दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये दिखा दे रहा हूँ, स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर, फैक्ट्री ओवरहेड। जैसे देखिए हमारे कई प्रकार के ओवरहेड होते हैं, उनका हम हेड वाइज डिवाइडेशन करते हैं, जिसमें फैक्ट्री ओवरहेड देखिए, और फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर सब आइटम और आएंगे, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल। अब हमें इनडायरेक्ट मटेरियल का टोटल अमाउंट ज्ञात करना है, तो इसमें टोटल मटेरियल का अमाउंट हमें इनडायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट ज्ञात हो जाएगा। उसी प्रकार इनडायरेक्ट लेबर का हमें याद करना है, तो इस इनडायरेक्ट लेबर का भी हमें आसानी से ज्ञात हो जाएगा। बिल्डिंग रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का याद करना है तो उसमें ज्ञात हो जाएगा, और डेप्रिसिएशन लेना है तो डेप्रिसिएशन का भी याद हो जाएगा। इस प्रकार हेड के सब हेड हो जाएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड एक नंबर है, और इनडायरेक्ट मटेरियल 1.1, इनडायरेक्ट लेबर 1.2, और बिल्डिंग रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस 1.3, डेप्रिसिएशन है 1.4 और 1.5 है वेलफेयर सर्विस। तो इस प्रकार हम सब शीर्षक के माध्यम से, नंबर के माध्यम से उप
विप्रयोग का वर्गीकरण आसानी से कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है जिसमें अकाउंट्स है और स्टेबलिशमेंट है, और सेलिंग ओवरहेड में देखिए सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस और एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस, ये हम सब हेड दे देंगे तो आसानी से हम उनका वर्गीकरण करके और उनका पता लगा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। इसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन से जिसमें वेयर हाउस एक्सपेंसेज है, ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी वैन एक्सपेंसेज है, पैकिंग का है, कैरिज एंड कार्टेज का भी है, तो ये अलग अलग हम उसका डिवाइडेशन कर रहे हैं। इसी के साथ हमें आवश्यक है कि जो हम जीती यूज कर रहे हैं वह प्रत्येक उद्योग या सब उद्योगों के लिए उपरिव्यय का जो वर्गीकरण कर रहे हैं उसमें काम में ली जाए, कि जरूरी नहीं है कि वही यूज काम में ली जाए। अगर हमें काम में लेना है तो प्रबंध की आवश्यकता और लागत लेखांकन की पद्धति तथा व्यय के वर्गीकरण करने की आवश्यकता पर वर्गीकरण करने की जो आवश्यकता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि हमें कौन सी मेथड का यूज करना है। एक मेथड किसी उद्योग के लिए सुटेबल हो सकती है तो दूसरे उद्योग के लिए वो सुटेबल हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हमें उसी मेथड को यूज करना है जो वो उद्योग के लिए सुटेबल हो। अगर हमें ऐसा करेंगे तो हमारे जो ओवरहेड हैं उनका संख्यांकन और सूचन हम आसानी से करेंगे और सरलता से इसको करेंगे, तो आगे जब हम उनका वर्गीकरण और विभागीयकरण करेंगे, अलोकेशन हम करेंगे, तो हमें इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। अब हम इसी को हमारे दैनिक जीवन में लेंगे। देखिए कि प्रत्येक दैनिक जीवन में हमारे कई ऐसे काम होते हैं, कई हम ऐसे डॉक्यूमेंट यूज में लेते हैं जिनका हमें क्लासिफिकेशन करना चाहिए, उनका हमें संख्यांकन या सूचन करना चाहिए, ताकि हम जब कभी किसी डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें संख्यांकन के आधार पर हम तुरंत पता लगा सकते हैं कि हमें उस डॉक्यूमेंट को प्राप्त करना है तो इतने नंबर की जो हमारी फाइल है उसको उसमें उस कागज़ को रखा हुआ मिलेगा, तो हम बहुत सी कठिनाइयों से बच सकते हैं। और बहुत से ऐसे कारण हैं जिनमें हमारा मानसिक और शारीरिक श्रम ज़्यादा लगता है, उस श्रम को हम और जगह यूज करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस संख्यांकन और सूचन का पार्ट है वो आपको सबको पसंद आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।